नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। दो दिन पहले जब भाजपा की 41 नामों की सूची आई, उसके बाद पिछले दो दिन में राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर जहां जहां के प्रत्याशियों की घोषणा की, वहां की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। देवली उनियारा से विजय बेसला को जैसे ही घोषणा की, वहां के स्थानीय नेताओं के समर्थक ने भाजपा कार्यालय पर आकर के विजय बेसला भगाओ, उनियारा देवली बचाओ जैसे नारे लगाए। झोटवाड़ा से जैसे ही राजपाल सिंह का शेखावत का टिकट काट करके यशवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया, तो राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने आकर के भाजपा कार्यालय पर यशवर्धन सिंह गो बैक के नारे लगाए। इसे इतर एक तस्वीर अजमेर के किशनगढ़ में देखने को मिली। किशनगढ़ के पिछली बार प्रत्याशी रहे विकास चौधरी के घर पर जैसे ही समर्थक आए, विकास चौधरी रो पड़े। ऐसी स्थिति साचौर में भी देखने को मिली। साचौर में जीवाराम चौधरी और देवाराम चौधरी के समर्थकों ने देवजी भाई पटेल को जैसे ही प्रत्याशी बनाया है, वहां पर भी विरोध प्रारंभ हो गया। लेकिन सबसे बड़ी घटना देखने को मिली, 41 सीटों में भाजपा की एक सुरक्षित सीट विद्याधर नगर से वर्तमान में विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता रहे भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काट करके राजसमंद की वर्तमान सांसद एवं जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी को जैसे ही टिकट दिया गया, उसके बाद में लगातार नरपत सिंह राजवी से मीडिया हाउस संपर्क करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुआ। लेकिन कल जब दैनिक भास्कर से उनसे संपर्क किया और उनसे बात की, तो नरपत सिंह राजवी काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा, पता नहीं भाजपा किस मूड में है, मुगलों की गुलामी करने वाले वंश को यहां से मौका देकर के भाजपा क्या हासिल करना चाहती है पता नहीं। दिया कुमारी का परिवार या उनका वंश महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने वालों में था, मुगलों की गुलामी करने वाले में था। ऐसे ऐतिहासिक लोगों में जिन्होंने महाराणा प्रताप का विरोध किया, उनको भाजपा मौका देकर के कौन सा एक विचित्र सी स्थिति समाज के सामने, देश के सामने पैदा करना चाहती है। इसके साथ ही कहा कि भैरव सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी है, पार्टी ने उनकी जन्म शताब्दी को मनाने का निर्णय किया है। आने वाले अक्टूबर में भैरव सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी को धूमधाम से मनाए जाने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, लेकिन उससे पहले उनकी सुरक्षित सीट, उसके परिवार के सदस्यों की टिकट काट करके भैरव सिंह शेखावत का जिस तरीके से तिरस्कार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका खामियाजा आने वाली समय में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। अगर हम इसके साथ ही शेखावाटी की बात करें, तो शेखावाटी में जैसे ही जिन 8 सीटों की घोषणा हुई है, उनमें सुजानगढ़ में, फतेहपुर में, झुंझुनू में, नवलगढ़ में एवं लक्ष्मणगढ़ में विरोध के शवर उठने चालू हो गए हैं। फतेहपुर के स्थानीय नेताओं ने घोषणा कर दी है कि हम एकजुट होकर के बाहरी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही झुंझुनू में भी लगातार नाराज भाजपा नेताओं के बैठकों का दौर है और हो सकता है आने वाले एक दो दिन में वो भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दें। ऐसी स्थिति सुजानगढ़ में है, जहां पिछली बार चुनाव लड़ने वाली संतोष मेघवाल को टिकट दिया गया है, तो पिछली बार के प्रत्याशी रहे एवं अन्य भाजपा नेताओं ने भी उनसे बगावत करने का मूड बना रखा है। इसके साथ ही जिस तरीके की स्थिति आ रही है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को दी गई है। कैलाश चौधरी लगातार नाराज प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, लगातार जैसे जिन जिन जिलों में विरोध के सवर उठे, वहां पर प्रदेश नेतृत्व में केंद्रीय नेतृत्व के नेता उन्हें प्रवास करना प्रारंभ कर दिया, वहां पर बातचीत करके डैमेज कंट्रोल प्रारंभ कर दिया है। लेकिन जिस तरीके के सवर उठे हैं, उनको देख करके लगता है कि वो सवर थमने वाले नहीं है। और अगर जैसी चर्चाएं हैं और जैसे विश्लेषण इन सीटों का आ रहा है, तो ये तय मानिए इन 41 सीटों में से कम 15 सीटों पर भाजपा में बगावत देखने को मिलेगी।